लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फैक्ट्री को मां कहते हो, जब मिटने वाली है तो छोड़ के भाग रहे हो। पांच मिनट में पर पड़ जाएगा, रुक जा। अरे बाहर खड़ा है, डर गया? लाला मुझे दे, मैं जाता हूँ। चल मेरे बच्चों बता दे बम कहाँ है, वरना देश का बड़ा नुकसान होगा। अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये निकल गया आगे, ये ढूंढ लेंगे। अब शक्ति नहीं बचेगा, बम फटने ही वाला होगा। आ, मिल गया बम, मिल गया भाइयों, बम मिल गया आप। अरे रोज सवेरे उठकर जय हिंद के नारे लगाते हो, और जब टाइम आया तो क्या हुआ, डर गए? हाँ मैं ले जाता हूँ, लो। अरे रास्ता खराब है, मंजिल पाने के लिए कच्चे रास्ते से जाएं। अरे वाह, ये क्या भाई? मंजिल क्यों हंसाई करती हो सबके सामने मेरी? और तुम क्यों हंसाई करते रहते हो सबके सामने मेरे प्यार की? सुनाओ तुम। हाँ हाँ मालूम है, यही कहोगे ना, मैं प्यार करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे छोटे भाई रोमी को पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, घर बनाना है, उसकी नौकरी दिलाना है, उससे शादी कराना है, फिर उसके बच्चों को पालना है, फिर उसके बच्चों के बच्चों को पालना है, उसके बाद में। जब तुम सब जानती हो तो फिर क्यों क्यों? जिनके छोटे भाई होते हैं वो क्या शादी नहीं करते? करते हैं, क्यों नहीं करते, करते हैं। मगर तो जानती है कि रोमी 3 दिन के बाद आ रहा है कॉलेज की पढ़ाई करके, उसके लिए कितनी सारी चीजें खरीदनी है, उसका बिस्तर भी छुआ खा गया है, साबुन लेना है, टूथब्रश लिया है, बाकी और क्या क्या चीजें, बस क्या करूं समझ में नहीं आता। रोमी 3 दिन के बाद आ रहा है? 3 दिन के बाद नहीं, आज ही आ रहा है। क्या मतलब? वो देखो भैया, परेशानी और तकलीफों से जो दूर हो वो हम हैं, जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे क्या गम है। यानी गालिब साहब आज तक जिंदा है? गालिब न मरा था, न मरा है, न मरेगा, क्योंकि आशिक का बच्चा न सुधरा है न सुधरेगा। तो मेरे आशिक के बच्चे, भूल जा उसे, पैरे लगे तेरे महबूब के घर, उस घर के जूते पड़े, उससे पहले तू डूब मर। नहीं भैया नहीं, वो जूते नहीं वो हार है, वो पैरे नहीं वो प्यार है। घबराना मत राधा, हम पास करेंगे हर इम्तिहान, क्योंकि अब आ गया है तेरा रोमी तूफान। अरे कोई है? कहां मर गए सबके सब? मैनेजर, मैनेजर, ओए मैनेजर! साले साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं आपके उस फार्म का मैनेजर हूँ, उस फार्म का, यहाँ इस घर में तो मैं आपका बहनोई हूँ। माफ करना भाई,
भूल जाते हैं हम कभी कभी। बंद करो ये खिड़की दरवाजे, देख नहीं रहे तूफान आ रहा कितनी जोर से? मालिक मैं तो राधा बेटी को समझाने के लिए गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। वो वहाँ खिड़की खोले तूफान के सामने खड़ी है। क्या जान की बहन कहाँ है? राधा बेटी, राधा दरवाजा खोलो। अरे इस तरह तूफान का सामना मत करो बेटी, बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा बुआ, तूफान मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे पागल हो गई है क्या? कितने दिनों से मैं इसका इंतजार कर रही थी, ये आज आया है और तुम कहती हो कि मैं इससे ना मिलूं? नहीं बुआ, मैं तूफान से जरूर मिलूंगी, जी भर के मिलूंगी। कोई नहीं रोक सकता आज मुझे इससे मिलने से। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? हाँ, मोहब्बत और जुर्रत क्या चीज है ये तू क्या जानेगा? कसाई, ये दीवाना बनकर रहेगा तुम्हारा परमानेंट जवाई। अरे पकड़ो इस रोमी को और बाहर फेंक दो इसकी लाश। अरे भाई, पकड़ो इसे। हाय तेरी कमर, हाय तेरी चाल, तुझको देखकर हो गया मेरा बुरा हाल। मैनेजर, अबे मैनेजर मैं ऊपर हूँ, इधर मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। अबे अबे पकड़ पकड़, आराम से, छोड़ना मत तुझे। राधा, अरे दानव को बुलाओ, दानव को। कहाँ है दानव? पिछले 6 महीने मिलाया जा रहा था ना? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोमी, तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी मौत लगती है। मुझे इस घुटन से बाहर निकालो रोमी, मुझे भगा ले जाओ अपने साथ। भागे हमारे दुश्मन मेरी जान, हमें रुकना होगा, हमारी मोहब्बत के आगे इन कमीनों को झुकना होगा। मेरे डायलॉग पसंद आए? डरो मत मेरी जान, प्यार के दुश्मन होते हैं कमजोर। मैं जानती हूँ लेकिन रोमी। अरे ये तो भूत है। अरे बच गया, शुक्रिया दोस्तों। अरे दानव लाग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। जाओ भैया के पास। भैया रोमी तूफान खतरे जान, कर दिया रोशन हमारा नाम। अरे आगे आगे देखो मामा, देवी माँ के प्रताप से राधा को जल्दी इस घर में ले आऊंगा, उसके बाद ना तो दूध फेंटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अंगीठी सुलगाने की। हाँ हाँ बेटे, सारी उम्र अंगीठी तो हमने सुलगाई और हलवा खाएंगी रानी बिटिया। राधा से आपको क्या तकलीफ है मामा? बल पड़ते ना पेट में इनके। लड़की तो अच्छी है मगर इसकी हरकतें तो देख, पता नहीं क्या क्या करके आया हवेली में। कल पुलिस घर आ गई तो आपको पकड़ेगी। मुझे क्यों? मैं कह दूंगा ये मामा का मास्टरमाइंड है, मैं तो मामा का बस पिट्ठू हूँ। हाँ हाँ, देखा आपने लाडले को? अरे मेरी नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल किया कर, जो कि खुद एक सूट नहीं पहनता और तेरे लिए नाइट सूट तक ले आता है। क्या देख रहे हो बेटे? आनंद भैया को, काश आज वो यहां होते। मुझसे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है क्या? मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम यह है भैया कि इस घर में ज्योति जैसी भाभी नहीं है।
ड्रामेबाज है अपना रोमी, ड्रामेबाज। जानता हूं तू चाहता है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए ताकि तेरी भी हो जाए, मगर तू फिक्र मत कर बेटे, मैं पहले तेरी शादी करूंगा फिर अपनी करूंगा। भैया इतना बड़ा बलिदान? बलिदान के बच्चे, पहले पढ़ाई पूरी करो, नौकरी करो, बड़ा आदमी बनाओ, फिर शादी का सोचो। नहीं नहीं भैया, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन बनेगा। बाप दादा ने इतनी जायदाद दे दी है ना। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, दैट्स व्हाई आई वॉन्ट टू मैरी अ डॉटर ऑफ अ बिजनेसमैन। डू यू अंडरस्टैंड यू ओल्ड मैन? आई डू अंडरस्टैंड यू यंग मैन। ओह यू मिसअंडरस्टैंड ओल्ड मैन। काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता ना। ज्यादा डंडे पड़ते बेटे, ज्यादा डंडे अगर माँ जिंदा होती तो, जैसे हमें पड़ते थे। यानी एक बात सीरियसली सुन ले बेटे, आज मैं जानता हूं तू राधा से बहुत प्यार करता है, मगर ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा के खानदान और हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है बेटे। वो जितने अमीर है उतने ही कमीने हैं। वो तो है, तू जानता है। तो फिर वो तेरे जैसे मासूम जान को अपने हवेली के चौखट पे कुचल देंगे, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं उस चौखट को जला दूंगा भैया। वो जो तुम्हें जेल भेजेगा उसका क्या, और आप जो मुझे वहां से छुड़ा लोगे उसका क्या? कत्ते नहीं, मैं लड़कियों के घर में जाने वाले को सपोर्ट नहीं करता। अरे मैं घर में कहाँ जाता हूँ भैया, मैं तो राधा से मिलने जाता हूँ बस। देखो बेटे, राधा के किशन, ये बंसी बजाना बंद कर दो वरना एक दिन तुम्हारी खुद की बंसी बज जाएगी। बालों को हाथ मत लगाइए भैया। क्यों? इसी में तो मरती है, रीछों के बाल पे भी लोग मरते हैं। अरे मामा, वो आशिक का बच्चा है, ना सुधरा है ना सुधरेगा। ठीक कह रही हो तुम, असल में तुम और रोमी दोनों इश्क के रोगी हो। सही कहा मामा, रोगी हैं पर शक्ति की तरह जोगी नहीं। एक भाई छोकरी को छोड़कर नौकरी के पीछे जाता है और एक भाई नौकरी को छोड़कर छोकरी के पीछे जाता है। वाह रोमी वाह। आज देखो मामा, इश्क का तमाशा, महल के सब दरवाजे बंद है, चारों तरफ सिपाही है, राधा जी अंदर और किशन जी बाहर। अब देखना है कि दोनों कैसे मिलते हैं। सब तैयार हो जाओ। तैयार। हेलो रोमी, रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई राधा वाधा नहीं ऐसी। हेलो रोमी, वो अरे चुप। देख रोमी, अगर तूने दोबारा राधा का नाम लिया ना तो तुझे आला बना दूंगा, समझा? अरे गलत नंबर था भाई। रोमी कमीने, देख के नंबर लगा, देख के। अगर दोबारा ये गलत नंबर लगाया ना तो हम तुम्हें वहीं आकर गोली मार देंगे। वो मेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है बाबूजी। एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए बाबूजी, सिर्फ एक बार। राधा तुम अपनी मर्यादा मत भूलो, तुम्हारे जैसे ऊंचे खानदान की लड़की का उस दो कौड़ी के लड़के के साथ बात करना शोभा नहीं देता। ऑफ, ले जाओ उसे, बंद कर दो। प्लीज बाबूजी, प्लीज सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। ले जाओ उसे, मैं उसके बिना मर जाऊंगी बाबूजी। चलो अंदर, अंदर चलो बाबूजी। पहले तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए। हाँ हाँ, ये राधा का ही घर है, मगर तुम उससे बात नहीं कर सकते। हमने कहा ना कि तुम उससे बात नहीं कर सकते। बेटा सिर्फ इतना बता दो कि तुम बोल कहाँ से रहे। महाराजा धीराज योगेंद्र सिंह की कसम, तुम्हें वहीं आकर गोली न मारी तो मेरा नाम भी जैनेन्द्र सिंह नहीं। भाई रोमी तुम तो बड़े कमीने हो, यूं समझ लो कुत्ते की दुम हो कुत्ते की। आए मेरा दूध है, किसका है? अच्छा मेरे लिए भी जाकर ले आ जा जल्दी से। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम कुत्ते की दुम की तरह हमेशा टेढ़े ही रहोगे, टेढ़े। सबान संभाल कर बात करो, मैं राधा नहीं उसकी बुआ बोल रही हूँ। मुझे भी उसकी बुआ से ही काम है, तुम्हारी कसम बुआ। राधा तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही पागल हूँ। हाय रोमी, ये क्या कह रहे हो तुम? सच कहता हूँ कुबा जी, मेरे और राधा के बीच में टांग मत अड़ाइएगा, वरना आप जो अपनी नौकरानी पारो के साथ गलत हरकतें करते हैं ना, बुआ जी से कह दूंगा मैं। hey, रोमी खबरदार अगर तुमने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की। अरे वो तो
एक बार गलती से अंधेरे में मैंने अपनी बीवी समझकर उसको पकड़ लिया था। आज ना सही ससुर जी, लेकिन कल तो इसी नाम से पुकारूंगा ना आपको। तुम्हारी ये इच्छा हमारे जीती जी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा तो आप यही बता दीजिए कि मर कब रहे हैं। देखो देखो ये रोमी क्या कह रहा है। अबे चुप कमीने, मुझसे ही बदतमीजी किया जा रहा है। मैनेजर, ओए मैनेजर, माफ कीजिएगा बहनोई जी, लेकिन आप इतना बताएंगे कि आप बात किससे कर रहे हैं? अरे उस पाजी रोमी के साथ। और जान की बहन तुम? हाँ, रोमी से। और हम भी उसी कमीने रोमी से बात कर रहे हैं क्या? अरे लेकिन हम तीन एक साथ एक रोमी के साथ कैसे बात कर सकते हैं? कौन बोल रहा है? रोमी। मुझे तो लगता है वो पाजी रोमी हम सबको बेवकूफ बनाकर हमारी इस हवेली में घुसाया है। दानव, दानव, मालिक, आज उसने हमारी गैरत को ललकारा है। आज या तो वो नहीं या हम नहीं, यानी कि तुम नहीं। आए? कौन है? क्या होया? अरे कोई है? बिजली चली गई। अरे दरवाजे बंद करो। इस कैद में हमको रहना नहीं, हम प्रेमी हैं तोता मैना नहीं। राधा आ जाओ, मैंने कहा था ना भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ जी, ये रही आपकी लड़की और ये रहा मेरा लड़का। दीजिए ना आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू भैया। आ जाओ आ जाओ। हाय फूफा जी। अरे भाई आप गले मिल रहे हो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई ले जाओ इसे और गाड़ी में रखो। भैया हमने आप पर एक बार किया और आप हमारा एक बार करवा रहे हो। ऐसी हरकत करोगे तो पिटाई तो होगी ना बेटे। भैया क्या है? हाथ चढ़ हाथ चढ़ साले, अब हाथ लगा के देख। भैया अरे गधों भूतनी के टकों, मेरा क्या मुंह देख रहे हो? दो ना उस मजनू को उसका नाम। भैया मारो इसे। रोमी प्यार से। ये ठीक नहीं है भैया। अरे यही सही है बबुआ, इससे आशिक की हड्डी मजबूत होती है और अक्ल भी आती है। ए भाई ये तो सीरियसली मार रहे हैं यार। ए देखो रे, ए आराम से, ए ए ए देखो एक एक करके आओ रे। सब ठीक है। ए देखो लड़के के रिश्ते में उसने कुछ नहीं करा हो, पर रहे तुम्हारी तो। ए भाई, अरे भाई सीरियसली मार रहे रे। अरे लिमिट में, लिमिट में। मैंने पिटाई करने को कहा था, खून बहाने को नहीं। अरे भाई पिटाई होगी तो जरा खून तो बहेगा ही ना। बहेगा बहेगा बहेगा। उसका खून बहेगा तो मेरा भी खून खोलेगा। तेरे भाई का खून है। अबे हट। मेरे भाई को मारोगे, मेरे बच्चे को पीटोगे, मेरे बबुआ का खून निकालोगे, तुम्हारी तो। मेरा भी खून खोल रहा है। रुक जाओ भैया, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। मैं सालों को रोमी, रोमी मेरे बच्चे। चल कुछ नहीं हुआ बेटे, चल चल। मेरे बच्चे को मारोगे, मेरे भाई को मारोगे।
अरे ओ किशन जी की राधा, चल खाना खा ले, दो दिन से भूखी प्यासी बैठी है। अरे कोई नहीं आने वाला खिड़की से कूद के। हाँ वो आएगा बुआ, वो जरूर आएगा। ए मामा, रोमी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? शक्ति, तेरा बुलावा तो फैक्ट्री से आ गया और तू चला गया, मगर रोमी बेचारे ने ना कुछ खाया है ना पिया है, और दवाई तक नहीं छुई, और डॉक्टर कह रहा है उसे 102 बुखार है। 102? हाँ। और मजनू साहब, सुना है आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ सर्दी में बैठे हैं, बुखार है आपको? हाँ हाँ, बुखार आ गया है और अब मैं मरने की तैयारी में हूँ। मरने की तैयारी, वेरी गुड। मरने से पहले कुछ सेब खाओगे? नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। वाह, बहुत अच्छे सरकार। दूध? दूध मुझे तो पानी का एक कतरा भी हराम है। डोंट वांट। ठीक है, वांट। वाह शक्ति बेटे, वाह ये क्या हो गया तुझे? तुझे मालूम है कि तेरा भाई सुबह से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है और तू है क्या चटखारे लेके खाए पिए जा रहा है? क्या करूं, आशिक ऊपर जाने की तैयारी में। तो ठीक है, अब खुशियां मनाने का ज्यादा इंतजार मत कीजिए, बुला लीजिए बैंड बाजे वालों को, आज ही मर के दिखाता हूं मैं आपको। अगर राधा की शादी किसी और के साथ हो गई ना तो वो जहर पी लेगी, और अगर वो मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। बाय। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बातें की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतना बड़ा किया जहर पीने के लिए, तो फिर और क्या करूं? हो जाने दो उसकी शादी किसी और के साथ। रोमी, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तू? समझने की कोशिश की थी आप, एक बार भी मेरी आंखों में झांक कर देखा है आपने? एक बार भी राधा के दिल को टटोल कर देखा है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है? एक बार भी अपने भाई की खातिर उन हवेली वालों से बात की है आपने? नहीं। जिसे देखो अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की बात करता है, जैसे दुनिया में सबसे बड़ी अहमियत इन सब चीजों की है, और तो कुछ है ही नहीं। अब तू पाल के दिखा बाबा को कि तेरे आदेशों ने माँ की निशानी को कीचड़ में फेंका है या आसमान में बिठाया है। रोमी बेटे, तू पागल हो गया है क्या? अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, इसलिए कि आग लगी है मेरे दिल में। मैं कुछ समझना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि राधा और मेरा प्यार तब का है जब वो 9 साल की थी और मैं 13 साल का, और अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो जान दे दूंगा मैं अपनी। हाँ अपने बाबूजी के कपड़ों में तो तुम बिल्कुल बाबूजी लग रहे हो। चलो रोमी, शायद तुम ही सही हो। शक्ति सिंह की बात सुनी बहनोई साहब? जी हाँ साले साहब, सुन ली। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? हाँ पूरा मत मानना शक्ति सिंह, लेकिन तुम्हारी औकात और हमारी हैसियत में कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर है। थोड़ा बहुत तो नहीं चौधरी साहब, सच तो यह है कि जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या तुम्हारा इस तरह चौधरी साहब की बराबरी में यूं सोफा पर बैठकर बात करना ठीक है? आखिर तुम अपने छोटे भाई के रिश्ते की बात करने आए हो। भैया आप बेचारा। हाँ आप कहो, कुछ कह रहे थे ना? जी मैं ये कह रहा था कि मेरा भाई बड़ा पढ़ा लिखा है।
इंटर पास किया है इसने? यस। इंटर? जी। अरे जगमोहन। जी हजूर। तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो भाई? एमए पास है सरकार। अच्छा, हमारे मैले कपड़े धुला लाए? नहीं हजूर, शाम को लेके आऊंगा। एमए इंटर। हाँ कहो शक्ति सिंह, हम सुन रहे हैं, बोलो बोलो। जी मैं हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ चौधरी साहब, कि अगर राधा और रोमी की शादी नहीं हुई तो ये दोनों जान दे देंगे। तो मर जाने दो ना उन्हें। हमारे खानदान में भिखारियों के साथ रिश्ते नहीं जोड़े जाते शक्ति सिंह। जानकी ठीक है, ये लोग गरीब हैं, मामूली हैं, पर भिखारी नहीं। शक्ति सिंह ट्रक ड्राइवर है, वो भी मिलिट्री का। संगे मरमर की इस दहलीज पर कदम रखते हुए तुम्हारा दिल जरूर धड़का होगा, क्यों? ठीक है ना? धड़का तो था। एक बात तुम्हारे दिल में जरूर ख्याल आया होगा कि तुम चांद को पाने की कोशिश कर रहे हो। आया तो था। इसका मतलब तुम समझदार इंसान हो, लेकिन अपने इस भाई के रिश्ते के लिए यहां कैसे चले आए? मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं चौधरी साहब। प्यार तो हमारा दानव भी अपने भाई से बहुत करता है, पर कल ये अपने भाई का रिश्ता हमारी राधा से करने आए तो क्या हमें मान लेना चाहिए? बोलो। जी नहीं। अरे जाओ जाओ रोमी, अपने केस को मजबूत करने के लिए किसी अच्छे वकील को लेकर आओ। ये किस नामर्द को लेकर आए हो यहाँ? अरे ये तो पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ हाँ में ही गर्दन अपनी हिलाते जा रहा है। चल बेटा घर चल, अब तो हम कुत्ते हो गए और ये कुत्ते पालने वाले। चल। अगर इसके बाद इस घर में तुमने एक कदम भी रखा ना तो कुत्ते से भी बुरा हाल करेंगे हम। हाँ बस ओए बस, बहुत कह दिया तूने, अब बहुत सुन लिया हमने, अब और कुछ कहा ना तो जबान खींच लेंगे तेरी। भैया चलिए। और गंदा खून है ना, आखिर गंदा खून तो बोलता ही है। चौधरी बाहर फेंक दे दोनों को। अरे नहीं भैया, तो तुम्हारे बाप का खून गंदा होगा। नहीं भैया चलिए ना, चल चलिए भैया। सुनता भी नहीं तुम लोग, कभी नहीं आऊंगा इस घर में, कभी नहीं आऊंगा।